अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे कैलिब्रेशन में, तो ये हो गया हमारा, इसमें टीआर कैलिब्रेशन होगा। तो टीआर जब भी करना है 3 times करना है। अभी देखिए टीआर, टीआर में टीआर सो टीआर में क्या होगा, मान लीजिए लोड सेल के ऊपर में जो कुछ अगर मेटेरियल है, या अगर आपको बेल्टर के ऊपर कन्वेयर रनिंग कंडीशन में है, तो कन्वेयर बेल्ट का जो वेट है वो 0 हो जाएगा, ये है टीआर। तो खाली बेल में हमारा यहाँ 0 TPH शो होना चाहिए। तो हम ऑलरेडी हम लोग कैलिब्रेटेड है ये, तो फिर से मैं और एक बार टीआर करूँगा। डेविएशन आया 0.11, ठीक है, ये चलेगा। तो अभी क्या है, अभी जैसे हम लोग ये टीआर ऑलरेडी है, इसीलिए मैं इसको एंटर नहीं करूँगा। आप लोगों को एंटर करके 3 बार करना है, मैं इसको एबोर्ट कर दूँगा, ये वाला को क्लिक कर, ठीक है, एबोर्टेड। इसी तरह होगा आपका टीआर कैलिब्रेशन। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्या पल्स पावर बेल्ट हो गया, टीआर हो गया, इसके बाद स्पैन कैलिब्रेशन। स्पैन कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोगों को वेट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फील्ड में हम लोग कन्वेयर बेल्ट का जो दोनों साइड के लीम है उसके ऊपर हम लोग वेट चढ़ाएंगे। वेट हम लोग कितना चढ़ाएंगे वो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा, कितना वेट चढ़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 50 किलो वेट चढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पैरामीटर में जाके बताना पड़ेगा कंट्रोलर को कितना केजी हम लोग चढ़ाएं। हम लोग 50 KG चढ़ाएंगे, एक साइड में 25 किलो और दूसरा साइड में 25 किलो। ये P308 में जाके लिखना पड़ेगा आप फील्ड में बेल्टर के ऊपर कितना केजी चढ़ा है, ठीक है। अभी मैं फील्ड में बोलूँगा वेट चढ़ाने के लिए, आपको देखे पता चलेगा यहाँ पे वेट कितना दिखा रहा है, 0 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, स्पैन कैलिब्रेशन। स्पैन कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोगों को बेल्टर के दोनों साइड में लोड चढ़ाना पड़ेगा और नॉन लोड होगा, जैसे उसका वेट हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग 50 KG वेट चढ़ाएंगे, एक साइड में 25 KG और दूसरा साइड में 25 KG, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम 50 KG चढ़ा है लेकिन आधा दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए केजी पर मीटर है, पर मीटर का दिखा रहे हैं। तो हम लोग इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लेंथ जो पुट किया है वो है 2.07। फिर एवं 3 नंबर ब्लॉक में जो है एंटर करेंगे, देखिए P305 में इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लेंथ हम लोग पुट किए कैलकुलेट करके, ये 2.07। तो हम लोग क्या 50 / 2.07 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 24.15 समथिंग आएगा। ये थोड़ा हमारा प्लेटफॉर्म हीन रहे इसीलिए थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, तो 24.15 kg पर मीटर आना चाहिए, लगभग हमारा सेम आ रहा है। तो इसीलिए क्या करें हम लोग, ये ऑलरेडी की कैलिब्रेटेड है तो आप लोगों को दिखाने लगे मैं एक बार कैलिब्रेशन करूँगा, बैक करूँगा। बैक करने के बाद फिर जाएंगे कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट एंटर, नीचे में जाके स्पैन कैलिब्रेशन, स्पैन कैलिब्रेशन में जाके मैं एंटर कर दूंगा, उसके बाद फिर पासवर्ड 7353 एंटर। देखिए हमारा कैलिब्रेशन स्टार्ट हो गया।
ये परसेंटेज में दिखा रहे देखिए ये जो हमारा आया सेट बाय एक्ट वैल्यू जो हम सेट किए हैं कंट्रोलर में 50 kg, लेकिन एक्ट कितना हो रहा है वो थोड़ा एरर रहेगा, कोई भी कंट्रोल थोड़ा एरर हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कुछ उसका अलाइनमेंट प्रॉब्लम हुआ तो हमारा एरर दिखाएगा। तो देखिए सेट बाय एक्ट वैल्यू हमारा दिखा रहा है 0.99, एकदम 1। अगर मैंने 50 kg चढ़ाया और कंट्रोलर भी 50 kg डिटेक्ट करे तो 50/50 इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये थोड़ा एरर है, ये क्या कितना दिखा रहा है 0.99729, लगभग 1। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.95 से लेके 1.05 के अंदर में आएगा मतलब आपका चलेगा। ये हमारा वही रेंज के अंदर में आ रहा है तो ये कुछ इशू नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा कैलिब्रेशन हो जाएगा, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद P402 पैरामीटर में जाके ये हम लोग पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा लोड सही दिखाएगा। अभी ये जो रेट दिखा रहे हैं ना, हम लोग जो पुट किया है वो 2.1 मीटर पर सेकेंड, कभी कभी इसके ज़्यादा जा रहे हैं इसीलिए ये रेड हो जा रहा है। तो थोड़ा प्रॉक्सी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन दिखाएंगे, अब कंट्रोलर कैसे TPH को कैलकुलेट करे। TPH कंट्रोलर के फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फीड रेट, ये टन पर आवर में है। उसके नीचे में है बेल्ट लोड, ये है केजी पर मीटर में, और इसके नीचे में है बेल्ट स्पीड, ये है मीटर पर सेकेंड में है। तो ये जो TPH है टन पर आवर, एक कंट्रोलर कैसे कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं TPH करूँगा टन पर आवर इक्वल्स टू आपका क्या होगा, केजी पर मीटर इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है आपका बेल्ट लोड पर मीटर में, ठीक है। 50 kg का चढ़ाएंगे तो पर मीटर, अगर मेरा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म लेना अगर 2 मीटर होगा तो 50/2 तो 25 हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड ये बेल्ट स्पीड है। तो अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे, मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या होगा केजी पर सेकेंड। ये TPH इक्वल्स टू टन पर इक्वल्स टू केजी पर सेकेंड नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंड को हम लोग घंटा में ट्रांसफ़र करेंगे, आवर में ट्रांसफ़र करेंगे, और केजी को टन पर आवर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम में दिखाएंगे, केजी डिवाइड बाय 1000 और सेकेंड डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, तो ये क्या हुआ, हमारा आवर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या होगा TPH इक्वल्स टू हमारा केजी पर सेकेंड इंटू 3.6, कैलकुलेशन कर कैसे आ रहे ना। तो यही है हमारा कैलकुलेशन, केजी पर सेकेंड को फिर मैं पुराना फॉर्म में लिखूंगा तो केजी पर मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू 3.6। तो ऐसे करके हम लोगों का क्या है TPH कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये जानना जरूरी है, आप देखिएगा नीचे अगर ये बेल्ट स्पीड बेल्ट लोड इंटू बेल्ट स्पीड इंटू 3.6 करेंगे तो आपका ऊपर में जो TPH शो कर रहे हैं कंट्रोलर में वही TPH दिखाएगा, ठीक है। वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।